किम जोंग की एटमी सेना का काउंटर करने के लिए कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की सबसे विध्वंसक फ्लीट डिप्लॉय हुई है। इस फ्लीट में यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस चार्ल्स विले, यूएसएस बेरी, यूएसएस बेनफोल्ड जैसे डिस्ट्रॉयर शामिल है। लेटेस्ट वीडियो में रोनाल्ड रीगन पर यूएस नेवी के जवान एक्शन में दिखाई दिए। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य तैयारियां जारी हैं, तो अमेरिका और साउथ कोरिया की फोर्स वॉर ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका और साउथ कोरिया के 20 से ज्यादा युद्धपोत डमी हमलों की प्रैक्टिस के साथ सैन्य ताकत भी दिखाएंगे। रूस के न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों से जापान में खौफ बैठ गया है। जापान ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया। रूस को केमिकल वेपन से संबंधित सामान एक्सपोर्ट करने पर बैन लगाया गया। विज्ञान प्रयोगशाला समेत 21 रूसी संस्थान भी बैन किए गए। रूस के न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसके जवाब में अमेरिका का प्लान तैयार है। अमेरिका के एनएसए ने रूस को कड़ी वार्निंग देकर न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिए। एनएसए जैक सुलिवन ने कहा कि रूस ने परमाणु हमला किया तो अमेरिका करारा जवाब देगा। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का अंजाम भयानक होगा। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पश्चिमी देश सतर्क हैं। ब्लैक सी में रूस का काउंटर करने के लिए यूक्रेन की विध्वंसक रणनीति सामने आई। अब यूक्रेन ने ब्लैक सी में सुसाइड ड्रोन तैनात करने का फैसला लिया है। रूसी नेवल फ्लीट को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन ब्रिगेड को मोर्चे पे लगाया। युद्ध का पासा पलटने के लिए अमेरिका अब यूक्रेन को 600 किलर कामिकाजी ड्रोन भेज रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रोन की इस खेप से युद्ध का नक्शा बदल जाएगा। ये ड्रोन 15 मिनट तक हवा में फ्लाई कर सकता है और इसमें 115 मील प्रति घंटे की गति से हमला करने की क्षमता है, जिससे आसानी से युद्धपोतों को टारगेट करना संभव है। यूक्रेन के काउंटर हमलों के जवाब देने के लिए रूसी फौज अब मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से बारूदी बौछार कर रही है। कई मोर्चों पर रूसी फौज ने रॉकेट के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनियन फौज को बैकफुट पर धकेलने का दावा किया है।